विकलांग 10 बेटियों का विवाह हो रहा है और जो अनाथ बहुएं हैं बेटियां हैं वो 25 हैं, 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग हैं और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं हैं, 10 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ नहीं है और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब हैं। ऐसे 151 बेटियां लिए, इसमें जिला बाई जिला का भी हमने 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर है। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणिग्रहण मंगल विवाह है उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए, 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी, 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। 70 से 80 लोगों ने मिलकर एक महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थी उनको चयनित किया। 151 बेटियों की सूची बनाई, 3-3 बार पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं, और 15 तारीख को उनके दोनों पक्षों को बुला रहे, बैठक कर रहे, 15 तारीख को कौन उपस्थित नहीं होगा उसकी जगह पर हमारे पास में अभी 20 फार्म ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रख रखे हैं, जरूरत पड़ने पर उन 20 को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन विकलांग 10 बेटियों का विवाह हो रहा है और जो अनाथ बहुएं हैं बेटियां हैं वो 25 हैं, 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग हैं और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं हैं, 10 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ नहीं है और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब हैं। ऐसे 151 बेटियां लिए, इसमें जिला बाई जिला का भी हमने कम बेटियों का हो पाया क्योंकि मोटरसाइकिल दे रहे थे, हमारा सपना था वो एक बार हमें सपना पूर्ण करना था। आप लोग अपने मनोबल से, संकल्प बल से और निश्चित रूप से मानसिक रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हो तो हमारी पूरी समिति इसको कर रही है, हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा मंडल है, बागेश्वर धाम शिष्ट मंडल है, हनुमान जी महाराज संकल्प देने वाले हैं, सन्यासी बाबा पूर्ण करने वाले हैं। आगामी वर्ष में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसकी घोषणा 8 मार्च को धाम पर कन्या विवाह के समक्ष की जाएगी, तो जो रह गई उनका विवाह आगामी वर्ष में करेंगे। बागेश्वर धाम का जो विगत हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है, 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा, बिना किसी सोर्स सपोर्ट के, न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है, हम आज की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करेंगे 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे, 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी, लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा मार्च वाला। 27, 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी, उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा,
मंडप प्रवेश, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अतीब महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय अनुज भ्राता अनुज हैं जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे 7 मार्च। और 8 मार्च को हमको पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार लगभग 5 लाख लोग, एक अनुमानित से 5 से 8 लाख लोगों ने प्रशासन ने बताया था, इस बार हमने एक सिस्टम को कहा है टावर सिस्टम को कि आप हमको मोबाइल के फोन सेल गिन करके बताएंगे तो हम आपको काउंट भी बता देंगे उसी दिन कि आज इतने मोबाइल यहाँ पर एक्टिव रहे, मतलब इतने लोग यहाँ पर आए, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। लेकिन लगभग 10 लाख लोग 8 मार्च को आने की संभावना है। झटक नहीं हुई है, कलेक्टर महोदय बहुत सपोर्टर है, धाम की व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं। हमारे जिले के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अस्पताल के लिए उन्होंने बहुत काम किया, ट्राइबल एरिया के लिए हमारे प्रिय और बागेश्वर धाम के भी बहुत ही प्रिय और पूरे जिले के चहेते कलेक्टर श्री संदीप जी आर साहब ने बहुत कार्य किया, उनकी शैली बहुत अद्भुत है। हमारी बैठक 1 बार हो चुकी है, दोबारा बैठक उनके साथ होनी है और पुलिस अधिकारियों के साथ हम 5 दिन के अंदर बैठक करके उसका बना देंगे। 1 5 मिनट का वीडियो है, हमने 3D बनवाया हुआ है पूरे कार्यक्रम का, मेला सहित आप लोगों के व्हाट्सएप पर अवस्थी जी के द्वारा। 1 मार्च से 8 मार्च के कार्यक्रम में भारत के सभी संत तो आ ही रहे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी यहाँ रहेंगे, कृष्णचंद्र ठाकुर जी एक दिन आएंगे, लागवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री लागवाचार्य जी महाराज जी एक दिन पधार रहे, अनंत श्री विभूषित मलुकपीठ वाले महाराज जी भी पधार रहे, परम पूज्य जो वर्तमान में राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव के कोषाध्यक्ष या सचिव के पद पर है, पूज्य उनके बारे में ये जानकारी थोड़ी सी हमारे लिए का नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी हाँ कहा है कि हम आएंगे, राजनाथ जी भी, क्योंकि शहीदों के लिए यज्ञ है, हमने आमंत्रण अपनी भूमिका जो है वो पूर्ण निभाई है, कन्फर्मेशन या प्रोटोकॉल डल जाएगा, उस बात को आप सच माने। हमारा ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य जन को जगाना, हम भारत को जगाने आए और जगा करके जाए, केवल हम चमत्कार दिखाकर भीड़ जोड़ करके भारत में तमाशा बनने या बनाने नहीं आए, हम भारत के लोगों को अंधविश्वास से जगाने, मानवता से जोड़ने और जो संतों के ऊपर आरोप लगे उसे हम मिटा नहीं सकते लेकिन बड़ी लकीर खींच करके जाएंगे, हम ऐसा मर करके मरेंगे कि आप लोग भी गर्व से कह पाओगे कि हम बागेश्वर वाले। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट schools, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।